स्मृतिरपि द्विविधा, यही चलेगा, स्मृतिरपि द्विविधा। स्मृति भी दो प्रकार की है, स्मृति ही कतिविधा मन स्मृतिरपि द्विविधा। स्मृति कितने प्रकार की है, मन स्मृति दो प्रकार, यथार्था यथार्था, अच्छा यथार्थ दूसरा यथार्थ कौन सी है, न प्रमाजन्य यथार्था और अप्रमाजन्य यथार्थ। प्रमा ज्ञान, प्रमा मैंने अनुभूति जो अनुभव है, यथार्थ अनुभव, उससे जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से जन्य जो स्मृति है वो यथार्थ स्मृति। प्रमा जन्य का तो प्रमा से सीधा स्मृति तो होती नहीं ना, कि होती है, प्रमा से सीधा स्मृति नहीं होगी, प्रमा से क्या होगा, जन्य होगी संस्कार, संस्कार से होगी स्मृति। प्रमा जन्य का तात्पर्य यथार्थानुभव जन्य जो संस्कार, तार जन्य जो स्मृति यथार्थ। इसी प्रकार से अप्रमा मैंने यथार्थानुभव, उस यथार्थानुभव जन्य जो संस्कार, उस संस्कार जन्य जो स्मृति है उसको यथार्थ स्मृति कहते हैं। सुखस्य किम लक्षणम सर्वेषां कुल वेदनीयम सुखम, ये हुआ था यहाँ तो हुआ। दुखस्य किम लक्षणम, हाँ स्मृति रह गई और इच्छा में चला गया, गलती सुख में चला गया, अब चलो दोनों हो गया। सर्वेषां कुल वेदनीयम सुखम, सभी के अनुकूलत्व ना विज्ञान का विषय बने उसका नाम सुख होता है, अथवा अहम सुखी इस अनुभव सिद्ध जो सुखत्व चाहती है उसको सुख कहते हैं, तो धर्मात्र है असान कारण जिसका उसको सुख, पुण्य मात्र असान कारण है, पुण्य से ही सुख मिलता है, पाप से कभी सुख नहीं मिल सकता। दुख से किंग लक्षणम, दुख का क्या लक्षण है, सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सभी के लिए जो प्रतिकूलत्व ज्ञान का विषय बनता है उसका नाम दुख है। दुखत्व जाति मतम दाहम दुखी इत्याकार अनुभव सिद्ध जो दुखत्व जातिमान उसका नाम दुख होगा, अथवा अधर्म मात्र असान कारण हो गुण हुआ दुखम, अधर्म मने पाप मात्र असान कारण जिसका ऐसा गुण विशेष का नाम दुख होता है। पदकृत्यम पूर्वत, शेष पदकृत पूर्वत समझ लेना, मैंने शत्रु दुख वारणाय सर्वेशां का, वैसे यहाँ पर शत्रु सुख वारणाय कितना अंतर करना, शत्रु सुख वारणाय सर्वेशां जोड़ लेना है मूल में, इतना पूर्वक का तात्पर्य। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्न, इच्छा द्वेष प्रयत्न, इन तीन गुणों का लक्षण बता रहे क्रम से, इच्छा का लक्षण बताया सीधा कामः और द्वेष का लक्षण कर दिया क्रोधः और प्रयत्न का लक्षण कर दिया कृति। अब कहते हैं कि भाई प्रकृति का इच्छा निरूपेति काम इति पर्याय, वो लक्षण नहीं है वास्तव में, तो पर्यायवाची प्रयोग कर दिया, तो इच्छा तु जाति मती इच्छा, लक्षण क्या है, अरे इच्छा तु जाति वाली का नाम इच्छा। साध्विधा, इच्छा भी दो प्रकार की होती है, फलेच्छा और उपाय इच्छा। फलम क्या है, सुखादि, सुखादि पाने की इच्छा होती है, और उपाय इच्छा क्या है, उस सुख को पाने के लिए जो यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं वह उपाय इच्छा है। द्वेष का निरूपण करते हैं, भी प्रयोग किया क्रोध, ये भी पर्यायवाची प्रयोग कर दिया है। द्वेष्टि के अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान, द्वेष्टि इस प्रकार के अनुभव सिद्ध जो द्वेषत्व जाति है, तार जाति वाले का नाम जो है द्वेष है। दुष्ट शांत ज्ञान जन्य गुणवा अथवा इदम मद्दिष्टम तस्य इदम साधनम, मेरा दुष्ट क्या चीज है, मेरा द्वेष का विषय मृत्यु है, मृत्यु का प्यार से प्यार किसी को नहीं है, मृत्यु को प्यार करता है क्या है, मृत्यु को तो कोई नहीं, मृत्यु सबको द्वेष है, मृत्यु के नाम पे सब गुस्सा हो जाए, नहीं आने देंगे उसको, मंत्र करें मृत्युंजय मंत्र भागेंगे मृत्यु को, मृत्यु से सबको द्वेष हो रखा है। उस मृत्यु रूपी दुष्ट पदार्थ का जो साधन क्या है, साधन है बीमारियां, आपको पता है ये बीमारी होगी तो मर जाऊंगा, ये होगा तो मर जाऊंगा, तो इसलिए हम बीमारी को पीछे पड़ेंगे, वो तो दुष्ट का जो साधन है वो बीमारी को भगाने का खूब दवाएं खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर करेंगे, पूजा पाठ सब किया जाता है, इसलिए द्वेष की दुष्ट का साधन का ज्ञान से जन्य जो गुण है, तार्किक ज्ञान जन गुण का नाम द्वेष होता है।
प्रयत्न निरूपयति कृति रीति, प्रयत्न निरूपण करते कृति का प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न, प्रयत्नत्व जाति वाले गण यत्यते यत्नो मे, मैं यत्न करता हूं, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है तारण ज्ञान में जो प्रयत्नत्व जाति भाषित है उस प्रयत्न जाति वाले का नाम प्रयत्न है। सत्रिविदा प्रयत्न तीन प्रकार की है, प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदा, विलक्षण बात कहते हैं यहां, प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन योनि। इच्छाजन्य गुण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इच्छा, चाहे स्वेच्छा हो चाहे परिच्छा हो चाहे इच्छा पूर्व प्रवृत्त हो रहे हैं, है इच्छा ही। स्वेच्छा में तो अपनी इच्छा हो गई, परिच्छा में तो हो गई दूसरे की इच्छा होगी, अनिच्छा का तात्पर्य प्रारब्ध ईश्वर की इच्छा आप जैसा हो इसलिए आपको करना पड़ रहा है। अनिच्छन्न भी वार्ष्णेय, गीता में आया ना अनिच्छन्न भी वार्ष्णेय, न चाहते भी कई लोग कई काम कर जाते हैं, उसका मतलब है कि मेरी इच्छा नहीं है, दृढ़ संकल्प पूर्वक हम कर नहीं रहे इच्छा पूर्वक, न दूसरे ने कहा, दूसरे की इच्छा की मजबूरी में भी हम नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रार्थना में सब बना हुआ ईश्वर के संकल्प है, तुमसे गलत काम हो या अच्छा काम हो आपकी इच्छा न करते हुए बुरा या अच्छा काम कर लेते हैं, इसे कह दिया इच्छा जन्यो, चाहे स्वेच्छा चाहे परेच्छा चाहे ईश्वर इच्छा हो उसे जन्य ही प्रवृत्ति होती है। और द्वेष जन्य गुणों निवृत्ति, द्वेष जन्य गुण निवृत्ति, हम लोग सन्यासी को कहते निवृत्ति प्रायण हो जाओ, त्याग करो वैराग्य, ये सब क्या है, आपके संसार से द्वेष हो गया, घृणा हो गई, क्यों ही विवेक हुआ है संसार बंधन के कारण दुख के कारण, जो दुख का साधन है उसके अंदर उसके प्रति आपके अंदर जो है द्वेष की भावना जगती है, आपको पता है सर्प मृत्यु का कारण है इसलिए आप सर्प को मारने को दौड़ते हैं, क्यों मारने दौड़ रहे हो भाई, यहां जानते हैं कि मृत्यु का द्वेष हुआ, और जो विवेकी के लिए उसी प्रकार संसार क्या है दुख का कारण है इसलिए संसार से द्वेष करता है, और द्वेष करने से क्या हुआ वो तो संसार से निवृत्ति हो जाती है। लोक व्यवहार में भी देख लो, जिससे आपका द्वेष हो जाए उससे आप निवृत्त हो जाते नहीं हो जाते, उसे बोलचाल बंद है, बेकार आदमी है परेशान करता है तो उसे बातें मत करो, लोक व्यवहार में और भी कहते हुक्का पानी बंद करो, यहाँ की भाषा में क्या है हुक्का पानी बंद कर, अपने आप से झुकेगा सही हो जाएगा रास्ते में आ जाएगा। तो प्रक्रिया अलग अलग है साधकों के हिसाब से अपनाना पड़ता है, इसलिए कहते द्वेष जन्य गुणों निवृत्ति, जीवनादृष्ट जन्य गुणों जीवन योनि, आपका शरीर जिंदा है क्यों जिंदा है भाई, कई लोग मरना चाह रहे मर नहीं पा रहे, कई लोग जीना चाह रहे लेकिन मर रहे हैं, सब उल्टा उल्टा होता दिख रहा है, जितने अस्पताल में पड़े हैं उनसे पूछो भाई तुम मरना चाहते हो, कहते हाँ मरना चाहता हूँ कब चले जाऊँ, मैं मरते नहीं बेचारे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगे जा रहे, ये हो रहा वो हो रहा परेशान, फिर वापस संसार, और यहाँ है बेचारा दुखी है, अस्पताल में भर्ती नहीं है ना लेकिन दुखी है, यहाँ पत्नी से परेशान नौकरी से परेशान काम से परेशान सबसे परेशान, हे भगवान जल्दी मेरे को ले जाओ यहाँ से बोलता है, कहाँ ले जाता है भगवान का दौर, मरती यहीं और दुखी हो जा और रगड़ खा दिया, मरना चाहे उसको मरने नहीं देते भगवान, तो जीना चाहे उसको जीने नहीं देते भगवान, बड़ा विचित्र लीला। तो इसमें कारण क्या है, कहते ईश्वर कहते हैं न्याय नहीं कर रहे सर, तुम्हारा ही जीवन के प्रति अदृष्ट है, तो प्रारब्ध जिसे शरीर पैदा हुआ है वो कोटा भी पूरा नहीं हुआ ना, जिस दिन पूरा होगा तुम चाहो ना चाहो मैं चाहो ना चाहो तेरे को तो पहुंचना ही पड़ेगा, इसे ना मेरी इच्छा के अनुसार है ये ना तेरी इच्छा के अनुसार है, तेने ने जो कह रखा है पहले कर्म उन कर्मों के फल यहाँ पर भोगने आए हो, जो प्रारब्ध कर्म रूप में आया है उसको जीवन का कारणीभूत अदृष्ट पुण्य पाप उससे जन्य है जो गुण उसका नाम जीवन निरूप प्रयत्न, जिस प्रयत्न की वजह से आपके शरीर के अंदर निरंतर श्वास चलते रहता है, आप सो जाते हैं तो श्वास में सो जाए हृदय में मरी जाए, कोई श्वास सोता नहीं है वो जगा रह जाता है वो काम कर रहा अपना प्राण, कारण क्या उस प्रवृत्ति के पीछे, कहते जीवन योनि राम का प्रवृत्ति ही कारण है।
और उसका भी कारण कौन है? जीवन का दुष्ट कारण प्रारब्ध कर्म। सच प्राण संचार कारणम, देखा कह दिया ना, ये जीवन की प्रवृत्ति और अन्य किसी के प्रति कारण, अन्य व्यवहार के प्रति, केवल प्राण संचार के प्रति जीवन योनि नाम का प्रयत्न कारण होता है। थोड़ा इसके बिरला में जय बहुत सुंदर वेचन है, विस्तार पर समझा रहे हैं। इच्छा पहले प्रवृत्ति साक्षात अनुकूलत्व इच्छा या लक्षणम, जो प्रवृत्ति साक्षात अनुकूलत्व है उसका नाम इच्छा है। प्रवृत्ति के प्रति जो साक्षात अनुकूलत्व जो गुण है उसका नाम इच्छा है। साच द्विविधा नित्या नित्याच, आद्य ईश्वरस्य अंत्यस्य अस्माकम्, जो आद्य है वो ईश्वर की इच्छा नित्य इच्छा होती है, जो अंत्य अंत्य है ना, अंतत्य हो गया है वो अंत्यस्य होना चाहिए, या अंत्य अस्माकम् अंत्य, हाँ ठीक है अंत्य, औतकार पूरा काटी दो, एक पूरा तो है ना उसको काट दो, अंत्या अस्माकम्, अंत्यास्त्रलिंग ठीक है ना, इच्छा स्त्रीलिंग है, अंत्या अंत्या मैंने अनित्या, अनित्या इच्छा जो है वो कैसी है, अस्माकम् हम लोगों के अंदर होता है, वो एक तकार अधिक उसको काटना है केवल, अंत्या अस्माकम्। काम इसका जो छह भेद सात भेद वर्णन कर रहे थे कि बहुत सुंदर वर्णन करेगा, काम इच्छा मत्सर स्पृह तृष्णा लोभ माया दंभा एतस्मा एतस्या एव भेदः इत्युक्तम न्याय भाष्य। न्याय का भाष्यकार ने वात्स्यायन महर्षि ने इस इच्छा का सात प्रकार का भेद बनाकर समझाया है। सात भेद इच्छा सात प्रकार से हमारे अंदर घूमती रहती है। कौन सा है? सबसे पहला रति इच्छा काम, स्त्री भोग करने की इच्छा काम, और प्रयोजनादिना पराभिमत वारण इच्छा मत्सर, अपना कुछ न कुछ प्रयोजन की वजह से दूसरों को दबाकर उनकी जो है हानि पहुंचाकर अपने प्रयोजन को पूरा करने की जो इच्छा है उसका नाम मात्सर्य भाव मत्सर। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए दूसरे को अभिभूत करके दबा करके हरा करके किसी प्रकार से भी हाँ, जो अपनी इच्छा कर लेता है पूरा कर लेता है उस इच्छा का नाम मात्सर्य मत्सर। और धर्म अविरोधेन प्राप्ति इच्छा स्पृहा, इसलिए स्पृहा धर्म के जो धर्म शास्त्र में कहा है उसके विरुद्ध न चल के कोई भी चीज को पाने की जो इच्छा है उसका नाम स्पृहा। और इदम में नक्षियतम इति इच्छा तृष्णा, चौथी तृष्णा, तृष्णा क्या है? मेरे पास ये चीजें कभी कम ना हो गई, घटे नहीं और बढ़े और बढ़े और बढ़े, बढ़ते ही रहे, ये इच्छा का नाम तृष्णा। इसको क्या ना पांच पच्चीस पचास भय, वेदांत केसरी का सुनाया हमने चंदावली, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर पुस्तक है चंदावली, आप कीर्तनकारों के लिए बहुत बढ़िया माल है, उसमें तो पुस्तक होना ही चाहिए आप लोगों के पास है, कीर्तनकारों के पास चंदावली नाम से प्रिंट होता है पुस्तक, हाँ जो है बहुत महान विद्वान संत ज्ञानी हुए वो गाते हैं। आप ये जो कोरड़े महाराज, कोरड़े महाराज है कोई प्रसिद्ध, हाँ, और एक साकरे महाराज, साकरे हाँ, उनका सीडी में सुन, उनके यहाँ सीडी में गाए पाँच पच्चीस पचास रुपये, पाँच पच्चीस पचास रुपये, सौ हजार लख भये, सौ हजार लख भये, करोड़ अरब खरब भये, यह लोक परलोक स्वर्ग की इच्छा भये, बिना संतोष बिना एक संतोष का, बिना एक संतोष का, कहत है वेदांत केसरी गर्जन कर अंत नहीं इस इच्छा। पांच रुपया से पच्चीस, पच्चीस से पचास, पचास से सौ, सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब बन गया, फिर यह लोग परलोक स्वर्ग मिल गया तो भी इच्छा पूरी नहीं हुई, बिना एक संतोष का, एक संतोष नाम का चीज है उसके बिना तेरी इच्छा कोई पूरी नहीं होने वाली। वेदांत केसरी का गर्जन करके बोलते हैं, छंदावली उनके अच्छे अच्छे हैं, शब्दावली में थोड़ा अंतर करके सुविधापूर्वक बोल दिया हूं, ये शब्दावली नहीं है उसमें थोड़ा अंतर है। तो धर्म विरोध ने प्राप्ति जस्प्रे इदम में नक्ष्यतम इच्छा तृष्णा,
और धर्म विरोध है ना परद्रविच्छा लोभ। लोभ क्या है? परद्रव्य की धर्म के विरोध से इच्छा करना, धर्म के विरुद्ध में परद्रव्य की इच्छा करना, उसका नाम लोभ है। पाप वंचन इच्छा माया, पाप से दूसरों को ठगने की जो इच्छा है इसका नाम माया है। और कपटेन धार्मिक इति स्वोत्कर्ष ख्यापन इच्छा दंभ। दंभ क्या है? कपट पूर्वक अपने आप को पूरा धार्मिक वेशभूषा पहन लिया, लाल पीला पहन लिया, तिलक लुलक लगा लिया, अपने आप मेरे जैसा कोई महात्मा ही नहीं है ऐसा अपने ही उत्कर्ष का अभिगान करता है, लोगों को प्रभाव डालने वाला महाढोंगी होता है दंभ। ऐसी इच्छा का नाम दंभ है। द्वेष का भी भेद कर रहे, देखिए छह प्रकार का होता है द्वेष। क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, अभिमान, अस्य अवांतर भेदाः उक्ताः। निवृत्ति साक्षात अनुकूलत्व द्वेष से लक्षण, निवृत्ति के साक्षात अनुकूल होता है उसका नाम द्वेष होता है। और छह प्रकार की है। पहला क्रोध क्या है? शरीर अधिष्ठान वैकृत्य हेतु ज्वलनात्मक। शरीर, इंद्रिया और इसके अधिष्ठान, इन सभी के अंदर विकृति का कारण होता, एक आग जैसे अंदर जो भभकता है शरीर के अंदर, उसका नाम क्रोध होता है। ईर्ष्या क्या है? साधारण वस्तु गृहीतरी द्वेष। आपके साधारण वस्तु को दूसरा कोई ग्रहण कर ले उसके प्रति आपके अंदर द्वेष जो जगता है उसको द्वेष शब्द से कह दिया, ईर्ष्या शब्द से, उस द्वेष का नाम ईर्ष्या। असूया क्या है? परगुण असहन, दूसरे के गुण को देख करके सहन ना होना, वह असूया। द्रोह क्या है? नाशाय द्वेष, दूसरे के नाश के लिए ही संकल्प करके पूजा पाठ करते, उसका नाश हो, उसका नाश हो, ऐसा जो जो इच्छा होती है द्वेष है, उसका नाम द्रोह है। और अमर्ष क्या है? उपकार असहिष्णुता, कोई किसको उपकार कर रहा है वो भी सहन नहीं होता, हमारे लिए क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया, तो हमारे लिए तो हमारे लिए देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। दूसरा भूखा मर जाए कोई बात है, मेरे को माल मिलते रहे, ऐसा जो सोच है ये बिल्कुल खराब है, अमर्ष है। और अंत और अभिमान जो सबके पास है खूब भरपूर, कोई कमी नहीं होती है। असमर्थ से आत्मनि द्वेष, असमर्थ है फिर भी अपने आप में अभिमान करता है, ये जो विचित्र द्वेष की वृत्ति है उसका नाम अभिमान है। कृतित्व जाति मत्तम प्रयत्न सामान्य लक्षणम। और प्रवृत्ति विधि कारण कौन है? चार कारण है, देखो अगला पंक्ति। चिकीर्षा, कृत साध्यत्व, इष्ट साधनत्वति, उपादान प्रत्यक्ष चैति, चतुष्टयम् प्रवृत्ति जनकम्। चिकीर्षा, दूसरा कृत साध्यत्व, तीसरा इष्ट साधनत्व, चौथा उपादान प्रत्यक्ष। कभी भी आपके अंदर प्रवृत्ति होती हो तो आप स्वयं देख लीजिए, आपके अंदर सबसे पहले करने की इच्छा होगी तभी प्रवृत्ति होगी, ये करने की इच्छा नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी। और अगर लोग कुंडली दे देते हैं और करने की इच्छा है नहीं, मना भी नहीं करता, रख दो भाई देखा जाएगा, जब इच्छा देगी तब देख, चार बार फोन कर तब इच्छा जगती है, चल देख ले, जिसको बार बार बोल रहा है कुछ देखो कुछ लिख के दे दो, दे आ जाती, जब चार बार रोता है तो दे करनी पड़ती, तब इच्छा भी जगती, करो नहीं तो इच्छा नहीं तो पड़ी पड़ी, जो बार बार याद नहीं दिला तो उसको महीनों पर देखता नहीं, ऐसे पड़ा नहीं, कई ऐसे सालों पर हो गए दिए आए नहीं, पूछे नहीं, पढ़ा है कौन देखे पढ़े रहे, इसलिए करने की इच्छा जगना ये प्रवृत्ति का बीज है मूल। उसके बाद इच्छा तो है लेकिन मत कृत साध्यम नवा, ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ये सोचेगा। अब इच्छा हो गई मैं भी चंद्रमा में जाऊं, अमेरिका में जो जा रहे हो शटल से कोई कोई तो मैं भी जाऊं, तो इच्छा जगने से जा सकते हैं क्या? ना अकल है ना सकल है, क्या जाएगा? तो इसीलिए कृति साध्य तो रहा नहीं ना, वही इच्छा वही मर जाएगी, छोड़ना पड़ेगी, त्यागना पड़ेगा। कृति साध्य आपकी इच्छा हुई मैं भोजन खाऊं तो कृति साध्य बनाओ खाओ,
अब बना सकते हो जानते हो, बनाओ खाओ, नहीं बनाना आता है तो भीख मांगे खाने भिक्षा लेने अन्य क्षेत्र में चले जाएंगे या किसी आश्रम में चले जाएंगे, वो कृत्य साध्य है आपका, इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन कृत्य साध्य भी हो, भोजन मिल गया, इच्छा थी, उसके लिए प्रयत्न किया आपने, आप कृत्य साध्य था, भिक्षा में चले गए, अन्य क्षेत्र में चले गए, लेकिन कोई दुष्ट था आपसे द्वेष कर रहा, उसने जहर डाल दिया, ये मालूम भी हो गया आप, अरे इसमें बहुत जहर है, किसने इशारा कर दिया मत खा नहीं तो जाएगा ऊपर, ऐसा तुरंत तक छोड़ देंगे उस भिक्षा को, भूखा वापस आएंगे खाएंगे नहीं, क्यों, बलवद अनिष्ट का कारण है। चौथा क्या है, इष्ट साधन होना चाहिए, अर्थात बलवद अनिष्ट का अनुबंधी होना चाहिए। बलवद अनिष्ट क्या है आपका, सबसे बलवान अनिष्ट आपका मृत्यु, और आपने जाने ये उसका साधन है, ये मेरे इष्ट का साधन नहीं, मेरे अनिष्ट मृत्यु का साधन है, तब क्या करोगे, अनिष्ट साधन तो ज्ञापन होते ही भले आपका कृत्य साध्य चिकित्सा भी है, यार आप करोगे नहीं, प्रवृत्त नहीं होगे आप, अनिष्ट साधन अर्थात निवृत्ति होगी। ये तीनों हैं, आपको मालूम है भाई हलवा बना के खाऊंगा तो अच्छा लगेगा, आज बढ़िया मौसम में पकौड़ी बना के खाऊंगा, हलवा खाऊंगा, इच्छा तो जगी, कर भी सकता हूँ, बनाने के हाथ उधर है, मशीन वशीन सब कुछ है, सब कुछ जानता हूँ, और इस साधन भी है, ये खाऊंगा तो मरूंगा तो नहीं, तो पक्का है, मैं खुद ही बना रहा हूँ, लेकिन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मालूम नहीं, इच्छा तो है पकौड़ी बना के खाऊंगा, हलवा बना के खाऊंगा, लेकिन ये नहीं मालूम पकौड़ी बनता कैसे, क्या क्या डाला जाता है उसमें, उपादान कारण समवाय कारणों के लिए ज्ञान नहीं है तो बनाओगे कैसे, आपको उपादान का मैं समवाय कारणों का प्रत्यक्ष होना भी जरूरी है, ये चार है तब आप प्रवृत्त हो पाएंगे, चिकित्सा कृत साध्यत्व इष्ट साधनत्व और उपादान प्रत्यक्ष, तभी आपके अंदर प्रवृत्ति होती है। सामान्य बातें कहिए आगे बढ़िए, धर्मस्य अधर्मस्य च किम लक्षणम्, धर्म का लक्षण क्या है, अधर्म का लक्षण क्या है, कहते विहित कर्मजन्यो धर्मः निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म, विहित कर्मजन्यो धर्मः, जो वेदों में विहित, कहां विहित है, बौद्धों में विहित, ऐसे ले लो बौद्ध दर्शन में विहित, उनके ग्रंथ विहित कर दिया, उन्हें गए खंभा गाड़ दो, खंभे को चूमो इसे पुण्य होगा तो मान लेंगे क्या, गोल गोल खंबा हमने देखा कि बौद्धों का मंदिर, मंदिर हमें बाहर की पूरी दीवार में ऐसी चीज लगा रहे तो घुमाना पड़ता है, वो गोल गोल घूमते रहता है, घुमाते घुमाते भी घूमते रहो, परिक्रमा करो, घुमा, मैंने भी क्या है ये करते करते घूम रहे हो, क्या हो रहा है इससे, वो अर्थ भी समझ रहे हो क्या चीज कह रहे हैं ये, क्यों घुमा रहे भाई, क्या उसको पता नहीं, अरे थाईलैंड में वहां भी देखा बौद्धों का हाल, सिंगापुर में देखा वहां भी देखा बौद्धों का हाल, ताइवान में बौद्धों का ही हाल, जहां जाता हूँ वहां जो पुजारी जैसे होते ना संत, उससे पूछा क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाई, कुछ मीनिंग तो होना चाहिए, अर्थ हो इसका, और एक सिंगापुर वाला बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो कहा स्वामी जी आप जानते तो मुझे बताओ, मैंने कहा ये ठीक है, अब बाकी सब बदमाश तो उठपटांग थे, अब क्या मतलब है, हमारे धर्म का मामला है, हम अपने धर्म वालों को बोलेंगे आपको क्या मतलब, जाइए आपको मान नहीं जानते, इसलिए इन वो व्यक्ति अच्छा था, उसने कहा हम नहीं जानते हैं सच्चाई है, पर प्रताय कर रहे हैं, मैंने इसका दो अर्थ है, एक तो दुनिया गोल है इसलिए गोल गोल बना रखते हैं इसको, दुनिया गोल है का मतलब क्या, कहीं कुछ हाथ लगने वाला नहीं, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं भाई, कोई चौकोर हो सीधा उसे कुछ हाथ भी लगता है ना, गोल में क्या हाथ लगे, वो घुमाते रहो कुछ नहीं, और दूसरा आप घुमा रहे हैं ना, दौड़ रहा है ना, ये कभी स्थिर होता है, ये स्थिर होने नहीं देना बोल दिया आपने, माने अनित्य, ये अनित्य चलते रहेगा, इसमें कभी शांति नहीं मिलती, मैंने आपको कब शांति मिलती है, मैंने पूछा, घूमते फिरते में
दिन रात काम कर रहे हैं, इसमें शांति है? तो सो जाते हैं शांति कब है? जब आप निश्चेष्ट हो जाते हैं, चेष्टा रहित, प्रवृत्ति रहित। ये बता रहे संसार में प्रवृत्ति के लिए और कोई चेहरा नहीं है। इसे से मुक्ति चाहना है तो निवृत्ति में जाओ, निश्चेष्ट हो जाओ, सकल इच्छा संकल्प त्याग। ये बोध करा रहा है। इतने बड़ा विचार मन में रख करके हमारे यहाँ धर्म में प्रथा शुरू किया है। मैंने कहा प्रचार तुम करो, मेरा ड्यूटी नहीं, तुम्हारा ड्यूटी। अपने प्रवचन में रोज बोलो जो घुमा रहे हो ये सोचना है, समझना संसार फंसना नहीं, ये गोल है और निरंतर प्रवृत्तिशील है, इसे कभी सुख शांति नहीं हो सकती। इधर अपने हमारे धर्म में भी तो लोग है ना, कई चीजें लोगों को पता ही नहीं। दीप स्तंभ बना हुआ है हर मंदिर में, क्यों दीप स्तंभ? इसको किसी को पता नहीं। दीप स्तंभ देखा है मंदिर में बनते हैं, पांडव भगवान यहाँ भी तो है, देखते हैं उसको। अरे देख रहे हो क्या है? स्तंभ है। अरे स्तंभ को देखने से क्या मिला? दे रहे बोले डुपेड़ा मूर्ख है का। अरे समझो स्तंभ का क्या मतलब है। स्तंभ के नीचे क्या है देखा आपने कभी? नीचे कूर्म बनाया है, सारे अंगों को अलग अंदर किया हुआ, हाथ वगैरह सबको अंदर किया हुआ है। ऐसे कूर्म बनाते कछुआ, उसके ऊपर खंभा। आप समझना है उस चीज को क्यों बनाया, एक दूसरा उसके ऊपर इतना लंबा खंभा जिसमें सात जोड़ होते हैं, पता है सात जोड़ से बनते हैं, सात जोड़ बनाए। भले एक पत्थर भी होगा ना, ऐसे डिजाइन ऐसे बनाते हैं, सात जोड़ जैसे बना देंगे। और उसके ऊपर दीपक जलाना, जलता रहेगा। ईश्वर में जलाए थे जब उसकी स्थापना हुई। याद दिलाता है तुम्हारे कूर्म को बंद करना, मतलब क्या? सकल इंद्रियों को वश में ले लो, सबसे पहला काम। दूसरा अपने सात चक्रों का भेदन करो, तुम्हारा वास्तविक ज्योति सहस्रार में शिव तत्व। याद दिलाता है हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य है उस प्रकाश में आत्मा का अनुभव करना। उसके लिए मुझे सत चक्र का भेदन और तदर्थ दश इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। इसे जब जाएंगे हम पहला वो उसको प्रणाम करते हैं, छूते भी है लोग कहीं समझते हैं नहीं इसका अर्थ क्या। इस बात को मन में रखकर भगवान से क्या मांगना है, इसीलिए अंदर जाके मैं आत्मा का अनुभूति करना चाहता हूं, मैं इंद्रियों का सुख नहीं चाहता हूं, सारे इंद्रिय बंद कर दिया मैंने, मैं इंद्रिय विषय नहीं चाहता हूं। ये शिक्षा वहां से लेकर के तब अंदर जाते हैं। कौन समझ रहा है? जो अंदर जा रहा है बेटा नहीं तो बेटा चाहिए, पैसा चाहिए, यही मांग रहे, पुटपटांग मांग कर रहे भगवान से। वो तो तेरे प्रारंभ कर्म जितना उतना मिलना ही है। तो तुम 100 बार मत्था टेक ले गणेश जी को, फेल होना है तो फेल होना ही है, गणेश पास करने वाला नहीं है। तो तेरे प्रारंभ कर्म फेल होना लिखा है ना, तो 1,00,000 किलो लड्डू चढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला, गणेश जी खा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पास नहीं करने वाले। क्या मांग रहे हैं उसे ही मालूम नहीं, दिव्य शक्तियों से अर्थ तो समझते नहीं, मंदिर में घुसते हैं। इस तरह हर चीज हमारे भी जितने मंदिर में बनावट है, सारी चीज का रहस्य पूरा आध्यात्मिक है। हम बहुत ही दृष्टिकोण से जा रहे हैं, बहुत ही दृष्टिकोण से आ रहे हैं, किसी आध्यात्मिक रहस्य की ओर जाते नहीं। ये सब धर्मों का यही हाल है, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, सब इसे विहित कर। कहा विहित? वेद विहित जो कर्म तजन्य गुण का नाम धर्म होता है। और वेदों में निश्चित जो कर्म है, वेद से पहले बोल चुके हैं, तन्मूलक स्मृतियां लेना, स्मृतियों में विहित, पुराणों में विहित, ऋषियों से निर्मित जितने भी शास्त्र है, सब शास्त्रों में विहित जो कर्म है और निषिद्ध जो कर्म है।
विहित कर्मों से पुण्य होता है, निषिद्ध कर्मों से पाप। लेकिन पुण्य भी नष्ट हो जाता है, पुण्य जो बनाए किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कब और कैसे देखिए प्रकृति में, वेद विहित अर्थ कर्म विहित मैंने वेद विहित जोड़ ले रहा, अधर्म वारणाया वेद विहित कर्मजन्य, इतने लक्षण कर दोगे तो क्या होगा, अधर्म भी कर्मजन्य उसमें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए वेद विहित कह दिया। यागादि क्रिया वारणाया कर्मजन्य, इतने को वेद विहित, वेद विहित यागादि क्रियाएं हैं तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। हमें गुण में लक्षण ले जाना है, क्रिया में लक्षण ले जाना नहीं है। वेद विहित क्रियाएं यागादि क्रिया वेद विहित है, कर्म में लक्षण चला जा रहा है, गुण में कर रहे थे इसे निवारण करने क्या कहा, कर्मजन्य कह दिया। सच कर्म नाशा जल स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञान आदि ना नश्यति, ये पुण्य का नाश कैसे होता है, कर्म नाशा जल स्पर्श श्लोक बना स्मृतिकार के आधार बोल रहे हैं, केवल कर्म नाशा जल नहीं है, कर्म नाशा जल स्पर्शात परत्वयाति लांघनात् गंडक्याम बाहु तरणात् धर्म अक्षरदि कीर्तनात्। ये कहा करत्वया, ये तो है कर्मनाशा नदी स्पर्शात, कर्मनाशा नदी स्पर्शात करत्वय अतिलांघनात् करत्वयाति लांघनात् गंडक्याम बाहु तरणात्, दंडक्याम बाहु तरणात् धर्म अक्षरति कीर्तनात्। चार प्रकार बता दिए स्मृति में, पहला है कर्मनाशा नदी, आजकल इसको दामोदर नदी नाम से बोलते, बिहार में चलता है दामोदर नदी, उसके स्पर्श से ही आपका सारा पुण्य खत्म हो जाए। और पानी पिएगा तो फिर क्या होगा, भगवान ने कहा कर्मनाशा नदी का स्पर्श से ही पुण्य नष्ट हो जाए। करतो ये तिलांघनात्, करतो ही कहते नर्मदा मैया, नर्मदा को लांघन करने से, आर पार कर दिया, नौका से भी आर पार करना नहीं चाहिए, लांघन कर दोगे तो सारा पुण्य नष्ट हो गया, इन लांघना पड़ता है। अभी ओमकारेश्वर जाओगे, ओमकारेश्वर की शिवलिंग की पूजा करने तो लांघना ही पड़ेगा ना, लांघे तो जाएंगे नहीं। तब आप कहते हैं आप लांग रहे भगवान की पूजा करने तो दोष नहीं, आप लांग के जा रहे रिश्तेदार से मिलने के लिए, शादी में इधर उधर अन्य काम में जाओगे लौकिक कार्य के लिए, तब पुण्य नष्ट होता है, तीर्थ यात्रा के लिए निषेध नहीं, ऐसे लेते हैं लोग। और गंडक क्या बाहुतरणात्, क्यों कारण क्या है इसका, पीछे कारण भी समझिए कि नर्मदा नदी में शिव जी निरंतर है, वहां का हर पत्थर शिव माना गया, नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, इसे उसको लांघोगे तो नौका से लांघो जैसे पैर तो स्पर्श हो ही जाएगा, पैर का स्पर्श होने से आपका शिव जी पर पड़ गया, कि लांगने की दृष्टि, नहाने की नहीं जाते, नहाना तो अलग पर उनके नैर्माल्य से नहा लिया आपने, दोष नहीं है, पार करना है अन्य उद्देश्य से तो पाप लगेगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा। और गंडक क्या बाहुधरणा, गंडकी नदी कैसा है, उसमें शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम के ऊपर से नित्य आ रहा जल, हरि का चरणामृत है, वो पूरा नदी चरणामृत हो गया, क्यों, गंडकी नदी शुरू होते नेपाल में, वहां नारायण सरोवर है, वहीं पर शालग्राम होता है, विलक्षण पत्थर है शालग्राम, आप लोग जानते हैं वैष्णव सब, शालग्राम एक कीड़ा बनाता है इस चीज को, पत्थर में वो कीड़ा छेद करके घुसता है, कुछ लोगों का कहना है नहीं पत्थर बैठा रहता है उसके अंदर जो है, ऐसा बैठा जो चुपचाप रहता है कई वर्ष, उसको वहीं से बैठा रहता है, उसके ऊपर जम जाता है पत्थर, काला पत्थर जम जाता है, फिर वो पत्थर को ही खाता है, उस पत्थर को ही खाता है, जब समाधि से निकलता है कीड़ा, समाधि में रहता है, जब कीड़ा निकलता है वो पत्थर को खाता है, पत्थर को खा करके सोना टट्टी करता है, उसके शौच होता है सोना निकलता है, और करते करते वो छेद करके निकल जाता है, लेकिन छेद करके निकल गया वो सोना को खा के निकल जाता है, सोना को खा करके निकल जाता है। इसलिए क्या करते हैं ये जो शेरपा लोग, पहाड़ी लोग नेपाल में, वो पत्थर देखते हैं हाँ बिल्कुल उनको पहचान है उस चीज का, हाथ में लेके समझ लेते हैं अब इससे सोना तैयार हो गया है,
अब कीड़ा निकलेगा दो चार दिन में, उसको तोड़ देते हैं। जैसे तोड़ेंगे हवा लगे मर जाएगा, अपने आप निकलेगा तो मरेगा नहीं, अभी पूर्ण तैयार नहीं ना, बाहर निकलने योग्य नहीं हुआ है। उस समय निकल गया तो क्या होगा, जैसे बच्चा पहले निकल गया तो मर जाता है, गर्भ से निकल गया तो ऐसे पहले निकल तो मर गया, वो खाया नहीं सोना, सोना अंदर पड़ा रह गया, सोना उनको ले जाता है, वो सोना रहते पत्थर को फेंक देते हैं, वही पत्थर सा लगता है। कारण क्या, उसको मानते हैं कि जो कीड़ा अंदर बना है ना वो सुदर्शन चक्र जैसे बनाता है। आपने देखा है सारा ग्राम ओरिजिनल? नहीं देखा कभी, मैं दिखाऊंगा आपको, पाठ के बाद दिखाता हूँ। तो इतना सुंदर वो बनाते हैं, सुदर्शन चक्र जैसे दिखता है। पहले एक छोटा बनाएंगे, यूं खुरदेंगे, लाइन 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 खुरद के छोटा, फिर बड़ा बनता है, तीन कोटि में बनाते हैं। और देखने में ऐसे लगेगा जब टूटा हुआ लगता है शेषरा का फट जैसे दिखेगा, जो बना हुआ ना यूं करके पत्थर गोल होता ही है, पत्थर यूं करके है और उसके अंदर खुरदे हुए हैं, जब फण जैसे दिखेंगे आप। वो चीज बनना बने बिना पत्थर पत्थर है, वो तो दर्शाल ग्राम में शेषाकार बनना चाहिए और शोषण के आकार दिखनी चाहिए, तब माना जाता है वो शालग्राम। वो साक्षात हरि का रूप माना गया, शालग्राम हो वही विष्णु हूं, और उस पर से जल और नदी आया, गंडकी नदी, तो सरोवर में बनाओ, उसके बाद उसके से पानी निकल रहा है, जब गंडकी नदी आया तो पूरा आकर के आप आसाम वगैरह होते हुए समुद्र में चला जाता बांग्लादेश होकर के, उसमें इसलिए कहते बाहु तरना, तैरना नहीं चाहिए, तैरोगे पुण्य खत्म, और चरणामृत को लो पियो, तैरो मत। और अंत में कह दिया धर्माक्षरदी कीर्तना, अपनी प्रशंसा, मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। जितना आप पुण्य कर्म का बखान करोगे उतना ही आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसे मनुस्मृति आदि करने का पाप को बताओ, यहां का वर्णन किया यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया, एक बांस लो उस मृत को जलाया हुआ जो भी जलाता है रिश्तेदार, उसे खोपड़ा को उसमें डाल दो और दिखाओ, जो बोलो लोगों के पास जाकर के मैंने अमुक का मर्डर किया था, मैंने पाप किया है, फिर भी इस पाप को भिक्षा देना है तो भिक्षा दीजिए, सब गाली देकर भिक्षा देंगे तुम्हारा पाप नष्ट होगा। लोग पाप को छिपाते हैं, पुण्य का बखान करते हैं। पुण्य को छिपाओ, पाप का बखान करो, ये शास्त्र सिद्धांत है। पुण्य छिपाओगे तो संचय होगा, और पुण्य का बखान करोगे नष्ट हो जाएगा। पाप को छिपाओगे संचय होगा, पाप का बखान करोगे तो नष्ट होगा, उल्टा मारोगे। कर्म नाशा जल स्पर्शा कीर्तन, और तीसरा भोग, पुण्य का भोग से भी नष्ट होता है, पुण्य का नाश। और अंत में कहते हैं तत्व ज्ञानादि ना, तत्व ज्ञानादि से भी पुण्य नष्ट हो जाएगा। अधर्म लक्षणम माह निषिद्धेति वेदन इत्यर्थ, यहाँ वेदन जोड़ लो, धर्म अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वेद निषिद्ध जोड़ देना, कर्मजन्य इतना लक्षण कर दो तो धर्म में लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसे वेद निषिद्ध जोड़ देना। और वेद निषिद्ध क्रियाओं में अतिव्याप्ति वारण, शेनयाग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कर्मजन्य कर, सच भोग प्रायश्चित्तादि नश्यति, और पाप का विनाश कैसे होगा, भोग से होगा, प्रायश्चित से भी होगा। जो ज्योतिष करते क्या है, एक तरह से प्रायश्चित कर्म करा रहे हैं, ज्योतिषी अनुमान करेगा आपके पिछले जन्मों का जो कर्म था, अनेकों जन्मों की जिसके आप इस जन्म जो हुआ है, आपके प्रारंभ कर्म क्या है, क्या आपके अंदर इस जन्म भोग होने वाला है, उसका अनुमान किया जाता है ग्रहों की स्थिति से। फिर इस प्रारंभ कर्म में आपका भोग पाप का भयंकर भी हो तो देख करके आपको उपाय बता दिया जाएगा, ये उपाय करो ताकि आपका कष्ट कम होगा, मिटेगा तो ही नहीं कम किया जाएगा, प्रायश्चित से पाप का जो फल में असर कम हो जाता है। इस अनेक प्रायश्चित विधियां शास्त्र में वर्णन किया गया है। यही है कि प्रारंभ को मिटा नहीं सकते, इन प्रारंभ के प्रभाव को घटा सकते हैं। ये जाएगा मालूम कि एक्सीडेंट होने वाला है, ब्रेक लगा लो, होना है तो होगा ही, लेकिन कुछ तो असर कम पड़ेगा, सीधे फुल स्पीड धैर्य से मारोगे उसके पीछे ब्रेक लगाओगे और धीरे से जाकर टकरेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये नहीं पड़ता। उसी प्रकार यहां पर
प्रायश्चित कर दिया तो कर्म का जो फोर्स है वो घटेगा, उतना हानि नहीं करेगा। इसे प्रायश्चित किया जाता है। एतावेव अदृष्टमिति कथ्यते वासना जन्य उच्चा, इन्हीं को अदृष्ट कहते हैं और ये वासना से जन्य भी है। वासना जन्य उच्च, वासना से ही आप क्या कर रहे हैं, पुण्य पाप कर रहे हैं, फिर वासना बनेगी, फिर पुण्य पाप करोगे, फिर वासना, एक चक्र चल रहा अनाधिकार से। वासना च विलक्षण संस्कार, वासना है क्या, विलक्षण संस्कार, कि संस्कार हर चीज का पैदा होते हैं, इन हर चीज के हर संस्कार वासना रूप बनता नहीं है, हर एक संस्कार आपका वासना का स्वरूप धारण नहीं करता, वासना बनने से पहले ही संस्कार नष्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे संस्कार आपके नष्ट होते हैं वासना बने बिना, और वासना बनने के बाद नष्ट नहीं होते, अनेकों जन्मों तक चलते हैं। इस प्रकार से धर्म अधर्म का विचार पूरा कर दिया। आपका जो आत्ममात्र विशेष गुणा के आत्मात्र के विशेष गुण कौन कौन है, कहते बुद्धियादि अष्टौ आत्मात्र विशेष गुणा, बुद्धियादि जो आठ है वो आत्मात्र में रहने वाले विशेष गुण है, बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याश्च, उनमें से भी ये तीन जो है बुद्धि इच्छा और प्रयत्न नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं, नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य, ईश्वर का जो होगा वह नित्य होगा बुद्धि इच्छा प्रयत्न, और जीवों का जो बुद्धि मतलब ज्ञान इच्छा प्रयत्न है वह अनित्य हुआ करती है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म, ये आठ का हो गया। एक और नौवा आत्मा का विशेष गुण कौन है, वो संस्कार, वो आगे आएगा।